मिठाई किसे नहीं अच्छा लगता, चाहे बड़े हो या छोटे, सबको पसंद होते हैं। और दिवाली आने वाली है और दिवाली में मिठाई ना बने ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लैक गुलाब जामुन। इसे बनाना भी आसान है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। बाहर का कोई भी सामान नहीं चाहिए, इजिली बना सकते हैं और सबके किचन में अवेलेबल भी होते हैं। और आप देख ही सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना यम्मी लग रही है देखने में, क्योंकि बीच में जो हमने फील किया ना उससे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू YouTube चैनल। तो चलिए आज के टेस्टी एंड यम्मी गुलाब जामुन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे मिठाई के लिए। तो डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे परात ले लिया है, यानी कि थाली ले लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। आप चाहे तो इसमें खोया भी यूज कर सकते हैं, मैं मिल्क पाउडर से बना रही हूँ। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा। अगर आप मैदा यूज नहीं करना चाहते तो आप इसमें सूजी यूज कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो 1 चुटकी सोडा यूज़ कर सकते हैं, जिसे मीठी सोडा के नाम से भी जाना जाते हैं। मैदा और बेकिंग पाउडर को हम अच्छी तरह से मिल्क पाउडर के साथ मिक्स कर लेंगे, इस तरह से आप देख ही सकते हैं। और जब इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच घी। फिलहाल इसमें 2 ही चम्मच यूज़ कर रही हूँ। और घी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि इसमें मुट्ठी जैसे ना माने। आप देख ही सकते हैं मुट्ठी बन रही है और ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुका है। अगर आज का रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और जब मिक्स हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे दूध। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कीजिए, 1 खट्टे आप ज़्यादा मत डाल दीजिए, नहीं तो 1 गीला बन जाएंगे। क्योंकि डो हमें पतला नहीं चाहिए, स्मूथ चाहिए और डो परफेक्ट होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके अब इसमें दूध यूज़ कीजिए। और मैंने इसमें दूध सिर्फ 2 ही चम्मच अभी यूज़ किया, तो इसमें थोड़ा और दूध चाहिए। आप देख सकते हैं ये अभी तक अच्छी तरह से डो तैयार नहीं हुआ, दूध की ज़रूरत है इसमें थोड़ा और। तो इसमें मैं और 3 चम्मच दूध यूज़ कर रही हूँ। टोटल मैंने इसमें यूज़ किया 5 बड़ी चम्मच दूध। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका हम एक स्मूथ सा एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे हम इस तरह से मसल मसल के। आप इसे जितना मसलेंगे ना उतना ही ज़्यादा डो सॉफ्ट होती है और परफेक्ट होती है। और लास्ट में इसमें हम यूज़ करेंगे 1 चम्मच और घी। तो पहले मैंने 2 चम्मच यूज़ किया, अभी मैंने 1 चम्मच घी यूज़ किया। टोटल इसमें 3 चम्मच मैंने घी यूज़ किया। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद नहीं है आप 2 चम्मच घी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पहले 1 चम्मच और बाद में आप 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। ताकि घी मैंने इसलिए यूज़ किया अभी जो किनारे में लगा हुआ है ना परात के वो निकल जाते हैं, इसलिए मैंने बाद में 1 चम्मच और घी यूज़ किया। थोड़ा सा डो ना अलग कर दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने ले लिया यहाँ से। और जो अलग किया हुआ ना थोड़ा सा डो, इसमें हम क्या करेंगे मिश्रण तैयार कर लेंगे इसका, ताकि हम मिठाई के अंदर फील कर सकें, मतलब गुलाब जामुन के अंदर फील कर सके हैं। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 1 बड़ी चम्मच के करीब बारीक काटा हुआ या फिर कद्दूकस करके भी आप ले सकते हैं बादाम। और साथ ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1/2 छोटे चम्मच किशमिश। किशमिश को मैंने इस तरह से काट लिया लंबे लंबे करके, ज़्यादा छोटा नहीं किया। और 1 चुटकी मैं रेड फ्रूट कलर यूज़ कर रही हूँ। तो बादाम और किशमिश और फ्रूट कलर को हम अच्छी तरह से डो के साथ मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा फ्रूट कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 1 चुटकी इनाफ है। आप देख सकते हैं कितना कलर हो गया। और इसका हम छोटे छोटे इस तरह से ना बॉल्स तैयार कर लेंगे, आप देख ही सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इतना छोटा इनफ है क्योंकि हम इसे अंदर ही फील करें, इससे ना अच्छा भी लगता है और टेस्ट भी इनहेंस होती है। तो ये देखिए बातों में सारा बॉल्स हमारा बन के तैयार हो चुका है। और इस डो का हम क्या करेंगे, बड़े बड़े लोई बना लेंगे। पहले हम इस तरह से आप देख ही सकते हैं, और लोई आप मतलब बॉल्स आप ज़्यादा बड़े मत बनाइए, छोटा ही बनाइए क्योंकि बाद में फूल जाते हैं। तो आप देख ही सकते काफी सारा ही हो चुका है लोई। तो एक हम लोई ले लेंगे और इसे इस तरह से पहले हम हाथों से गोल कर लेंगे और एक कटोरा का शेप दे देंगे इस तरह से, आप देख ही सकते हैं। और जब कटोरा का शेप बन जाए फिर हम जो बना के नहीं रखे बॉल छोटे छोटे बादाम किशमिश और फ्रूट कलर से जो हमने बना के रखे, तो ये हम एक ले लेंगे और अंदर फील करेंगे केयरफुली और इसे कवर कर देंगे इस तरह से। और फिर हम इसे गोल बना लेंगे इस तरह से और हल्का सा ना प्रेस कर देंगे। और इसमें ज़रा से भी क्रैक नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो परफेक्ट मिठाई नहीं बनेंगे। तो अब इस तरह से स्मूथली इसे गोल बना लीजिए ताकि इसमें क्रैक बिल्कुल ना हो और डो भी हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए ताकि आप इजीली इसे गोल बना सकें। इस तरह से हम बना लेंगे।
देंगे सबको। तो ये देखिए सारा हमारा बन चुका, बॉल्स बोल सकते, मिठाई बोल सकते। तो सारा हमारा मिठाई तैयार है, मतलब अभी तक ये कुक नहीं किया है, इससे अभी टाइम लगेगा कुक होने में। अब देख ही सकते दिखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितनी अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसे हम क्या करेंगे, कुछ देर ना ढक के इस तरह से रख देंगे। और मैंने इसे प्लेट से ढक के रखी, आप चाहे तो कोई कपड़ा से भी ढक के रख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं शीरा बनाने की प्रोसेस में। तो गैस में मैंने पहले ही एक बर्तन में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी, यानी कि 1.5 कप मैंने चीनी यूज़ किया। मीठा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको मीठा कम या ज़्यादा चाहिए। और इसे हम हाई फ्लेम पे पहले कंटिन्यू चला तो पिघला लेंगे इस तरह से, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। और शीरा में एक तार या दो तार की नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा कुक हो जाए और हल्का सा चिपचिपाट सा हो जाए। तो एक उबल आने के बाद ना हम इसे मीडियम कर देंगे, और मीडियम में हम इसे 2 से 3 मिनट उबालने देंगे अच्छी तरह से, ताकि शीरा परफेक्ट हो, क्योंकि हम इसे बाद में भी उबालेंगे, इसलिए अभी इसे ज़्यादा उबालने की ज़रूरत है। जस्ट चीनी पिघल जाए और थोड़ा सा चिपचिपाट हो जाए। तो ये देखिए शीरा हमारा कम से कम उबालते हुए 3 मिनट हो चुका है और परफेक्ट है, हल्का सा चिपचिपाट भी हो चुका है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और चलते हैं मिठाई फ्राई करने की प्रोसेस में। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दिया, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैं वाइट ऑयल से फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो घी से भी फ्राई कर सकते हैं। तो तेल को हम पहले गर्म होने देंगे, हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, ताकि देने के बाद तुरंत ये एक तरफ से डार्क ब्राउन हो जाए, ऐसा नहीं होने चाहिए। तो तेल आप उतना ही गर्म कीजिए जितना कि ये देने के बाद तुरंत डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख ही सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके जितनी भी मिठाई मैंने बना के नहीं रखे वो हम एक एक करके कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। केयरफुली तेल उछाल के हाथ में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपका हाथ जल सकती है या फिर तेल आपके हाथ में उछाल के आ सकते हैं, जिससे कि जलन मच सकती है आपको। और जब एक तरफ से फ्राई हो जाए, क्योंकि आप देख ही सकते जो हमने पहले यूज़ किया वो हम सबसे पहले पलट देंगे, फिर हम बाकियों को भी एक एक करके पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे आप तब तक फ्राई कीजिए उलटते पलटते, ताकि इसका जो मिठाई का कलर है ना वो डार्क ब्राउन होना चाहिए। आप चाहे तो हल्का फ्राई कर सकते हैं, लेकिन डार्क ब्राउन में ना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाला प्रोसेस ना आप लो फ्लेम पे कीजिए, हाई फ्लेम में मत कीजिए, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से भी हल्का सा कच्चा रह सकते हैं। तो इसे लो फ्लेम पे फ्राई होने दीजिए, इस तरह से कड़छे से चलाते रहिए ताकि नीचे जले ना। तो ये देखिए ये हमारा फ्राई हो चुका है, और कलर भी कितना अच्छा आया, देखने में भी अच्छा लग रहा है और डार्क ब्राउन है, क्योंकि हल्का सा ना काला कीजिए फ्राई करते, लेकिन जला मत दीजिएगा। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे और चलते हैं शीरा की तरफ, क्योंकि हम इसे शीरा में कुक कर लेंगे, यानी कि उबाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये शीरा हल्का ठंडा हो चुका है, तो मैंने गैस ऑन कर दिया ताकि शीरा गर्म हो जाए। और गर्म शीरा में हमने जो बना के नहीं रखे गुलाब जामुन वो हम एक एक करके शीरा में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसे हम एक उबाल हाई फ्लेम में आने देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, लो फ्लेम पे ढक के हम 10 मिनट तक कुक कर लेंगे, ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए और हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो, ताकि खाने में भी अच्छा लगे। और मैंने इसमें इलायची पाउडर यूज़ नहीं किया, आप चाहे तो इलायची यूज़ कर सकते हैं। जब आप शीरा तैयार करते हैं ना तो अब हल्का सा केसर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं भूल गई यूज़ करना। ये 10 मिनट हो चुका उबालते हुए मिठाई को शीरा के साथ, मतलब गुलाब जामुन को शीरा के साथ उबलते हैं ना, 10 मिनट हो चुका है। और अगर आपको लगता है 10 मिनट उबलने के बाद भी ये अंदर से हार्ड है, सॉफ्ट नहीं हुआ, तो आप 1 मिनट और आप ढक के लो फ्लेम पे इसे कुक कर लीजिए, ताकि ये अंदर से भी सॉफ्ट हो, क्योंकि जितना सॉफ्ट होती है ना उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। ये देखिए ये हमारा ना अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, और अगर आपको लगता है ये थोड़ा हार्ड है, सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो आप 1 मिनट और आप ढक के लो फ्लेम में कुक कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, और साइज में आप देख ही सकते हैं थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं गुलाब जामुन, आप इजीली इसे घर में बना के ले सकते हैं कभी भी, या फिर किसी भी त्यौहार में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम करेंगे सर्व। तो चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे एक कांच के बर्तन ले लिया है, इसमें हम करेंगे सर्व, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली में मिठाई ना बने ऐसे कैसे हो सकता है। इसे किसी ओकेशन में भी बना सकते हैं या फिर आप कभी भी इसे बना के ले सकते हैं। बनाना भी आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और
इसे बनाने के लिए आपको बाहर का कोई भी सामान नहीं चाहिए, घर में सबकी किचन में अवेलेबल होते हैं, तो आप इजीली से बना के कभी भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए या फिर आप एक घंटे या दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि हल्का सा ठंडा ना बहुत ही अच्छा लगता है, शीरा को अब्जॉर्ब करती है। और मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ, आप देख ही सकते हैं अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है, जो हमने फील किया है बहुत ही यम्मी लग रहा है, कितना सॉफ्ट लग रही है देखने में। इस मिठाई को आप इंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।